गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। आई होप कि चार पॉइंटों पे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं आज, इन चारों पॉइंटों को अगर आपने SBI PO प्री से पहले इंप्लीमेंट करा तो ये SBI PO प्री 2023 आपका है, कोई नहीं रोक सकता आपको। और मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ यहां पर इन चारों पॉइंटों के बारे में मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा। अगर आप लोगों ने पूरा इस चारों पॉइंटों पे अगर ध्यान दिया तो इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। आई बेट कि आपको रिजल्ट मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला चारों पॉइंटों में से एक जो पहला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना होगा। क्यों मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और PO में अगर 100 में आपने लाना कितना है, बस और बस 60, क्योंकि पिछला कट ऑफ निकाल के देखो 58 59 60, ऑलमोस्ट आपका ऑन एन एवरेज 60 के आसपास का कट ऑफ रहता है। तो आपको कितना क्वेश्चन छोड़ना है? टोटली 40 क्वेश्चंस छोड़ना है। तो आपको टारगेट कितना लेके चलना है? आपको टारगेट लेके चलना है 70। तो ऑलमोस्ट आप ये समझो कि 70 मार्क्स अगर आपने अपना टारगेट बना लिया तो फिर 70 अगर आप टच कर जाते हो तो कोई नहीं रोक सकता, पीओ प्री एसपीआई पीओ प्री आपका क्लियर हो जाएगा। और ये कैसे संभव है? ये तब संभव है जब आपने क्वेश्चन छोड़ना सीखा। मुझे याद है कि 2015 में जब मेरा पहला बैंकिंग का मैं कोचिंग स्टार्ट किया था पटना में, तो मुझे एक टीचर ने साफ बोला था कि बैंकिंग में अगर आपने क्वेश्चन स्किप करना सीख लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम को क्लियर करने से। वही चीज इंप्लीमेंट करो। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि टाइम मैनेज नहीं करते हैं। मान लो कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिल गया टफ और उसमें अगर आपने टाइम अपना वेस्ट कर दिया तो आप बहुतों से पीछे चले जाते हो। तो यही टाइम मैनेजमेंट है कि कैसे सही और सटीक क्वेश्चंस को पिक करना एग्जाम में। पीओ प्री में जब आप एग्जाम पे बैठते हो तो आपको बस यही फोकस करना है कि जो ऑलमोस्ट सबसे इजी क्वेश्चंस है उस पर पहले फोकस करना, उस पर पहले अटैक करो और जो टफ क्वेश्चंस है उसको रहने दो बाद के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो अटेम्प्ट है वो ज्यादा होता जाएगा। तो टाइम कैसे मैनेज होगा? हमें कुछ क्वेश्चंस छोड़ना है, वो क्वेश्चंस छोड़ना है जो लिटरली टफ है, जो हम लोग नहीं बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा स्पीड भी इंक्रीज होगा और बहुत अटैकिंग आप लोगों को प्ले करना है एग्जाम में। स्पीड तो इंक्रीज हो ही रहा है, साथ में नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है और एक्यूरेसी आप लोगों को बस मैनेज करना है। एक्यूरेसी आपने अगर ऑलमोस्ट 90% से अबव रख दिया तो लगभग आपका ये समझो कि डन है, ठीक है। तो मैंने पहला आप लोगों को बताया कि टाइम मैनेज करना सीखो, टाइम मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट भी इसी में लगभग छुपा हुआ है, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सिलेक्शन करना है क्वेश्चंस का, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नॉर्मली ये समझो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं बेस्ट एग्जांपल मानता हूं सिलेक्शन के लिए। अगर बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया तो वो DI में भी इंप्लीमेंट होगा। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपने क्वेश्चन पकड़ा और आपने 8 क्वेश्चन देखा तो उसमें डन है कि 2 से 3 ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको कि आप आंसर करने में बहुत टाइम ले लोगे। मतलब 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको बनाना नहीं बल्कि 70 क्वेश्चन बनाना है। 70 में से भी अगर आपने वो टफ क्वेश्चन चूज कर लिया तो आपका टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो कोशिश क्या करना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो 2 क्वेश्चन होगा टफ उसको छोड़ना है। वही सेम चीज आपको DI में भी रखना है। अगर आपने DI में देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत कैलकुलेटिव है, स्किप दैट। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आगे टाइम मिल जाएगा, हम लोग आगे अपना कुछ क्वेश्चन और बना सकते हैं और वही टाइम आप लोगों को बचाना है। तो स्किप करो, सिलेक्शन करो, बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन करो, तभी आपका रिजल्ट मिलेगा। और ये चीज हम लोग अपने जब लाइव मॉक टेस्ट देते हैं ना वहां भी ये चीज एनालाइज कर सकते हैं। वहां हम लोगों को बस नंबर ऑफ मॉक टेस्ट इंक्रीज नहीं करना है बल्कि अपने एनालिसिस को स्ट्रांग करना है और अपने वीक पोर्शन को स्ट्रांग करना है। अब देखो मैं आप लोगों को जो पॉइंट बता रहा हूं ना उसमें हर एक पॉइंट में दूसरा पॉइंट मेरा छुपा होता है। मैंने अभी तीसरा पॉइंट आप लोगों को बताना है कि जो एनालिसिस कर रहे हो ना, ये 5-7 दिन जो बचा है आपके पास, इसमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट का बस नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को इंक्रीज मत करो। ऐसा नहीं है आप लोगों को बोल दिया मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, हम लोग उसके पीछे भागे जा रहे हैं। नहीं, मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो तो उसका सही तरीका होना चाहिए। एक मॉक टेस्ट लगाओ डेली बेसिस पे, उस पर
मतलब बेहतरीन ढंग से उसका सिलेक्शन आपका ये एनालिसिस होना चाहिए कि क्या हमने मॉक टेस्ट लगाया और हमारा क्या स्कोर है, कहाँ हमने करा, कहाँ हमने वीक पॉइंट देखा अपना और कहाँ हमारा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। उसमें जो मैंने इन दोनों पॉइंट को आपको बताया ना, पहले उसको इंप्लीमेंट करो और फिर देखो कि इसका रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बस लगाना इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आपके सामने अभी SBI PO Pre का मान लो कि 10 मॉक टेस्ट है, तो 10 मॉक टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि 10ों में से 10 मॉक टेस्ट आपका बन जाना चाहिए। 5 ही आपने मॉक टेस्ट बनाया, लेकिन आपका सिलेक्शन बहुत बेहतर होना चाहिए, आपका जो एनालिसिस है उस पर बहुत अच्छा होना चाहिए, और कहाँ आपने देखा कि आपके अंदर कमी है उस पर जब आपने वर्कआउट करा ना, तो ही आप स्ट्रांग बनोगे। और देखो एक फाइनल चीज हमारा ये होता है ना कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। मैंने अभी आपको क्या बताया कि तीसरा पॉइंट में हम लोगों को अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के टाइम पे ना हम लोग अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स में घुस जाते हैं जो कि लिटरली आप लोगों को इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्शन है वो। कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहो, क्योंकि अगर आपने अभी अपने आप को इन 10 दिनों में बिल्कुल एक सराउंडिंग में रख दिया, तो फिर शायद दुनिया आपको याद कर लेगा। उसी तरीके से क्वेश्चंस में हम लोगों को सबसे बड़ा हमारा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है ना कि क्वेश्चंस, हम लोग कुछ एक नए टॉपिक को पकड़ लेते हैं इन ड्यूरेशंस में। नहीं, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपको आता है, बस उसी पे कमांड करो, इतना कमांड करो कि वो क्वेश्चंस इतना आसानी से आपसे बन जाए कि देखते हुए आपके माइंड में वो क्लिक कर जाना चाहिए, यस आई कैन डू दिस। और इन चारों पॉइंट पे अगर आपने वर्कआउट कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका SBI PO Pre निकल जाएगा, क्योंकि आपने फोकस क्या करना है कि मुझे 100 नहीं बल्कि 60 क्वेश्चंस बिल्कुल सही बनाना है, टारगेट आपको 70 का लेके चलना है। ठीक है, तो इन 70 नंबर में आपको 70 आना चाहिए अगर आपने ये टारगेट लिया है तो। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई वांट टू से इन दिस वीडियो। बट एक चीज यहां पर याद रखो कि हमारा लास्ट जितना भी आप देखोगे ना, जो SPI का एग्जाम है, उसमें मोस्टली हमारा स्पीड और एक्यूरेसी वर्कआउट करता है, तो स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करो, आपका एग्जाम क्लियर होगा। बाकी मैं वीडियो को और बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, बस आप लोगों को ऑल दी बेस्ट कहना चाहता हूं, ताकि आपने जो इन चारों पॉइंट को इंप्लीमेंट करना है वो जल्दी से जल्दी करो, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है। क्योंकि आपने देख लिया कि डेट्स हमारा बिल्कुल पता है कि हमें कब हमारा किस दिन एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट उसके हिसाब से ही आप चलो। क्योंकि मैंने बता दिया कि 10 अगर मॉक टेस्ट लगाना है तो 5 ही लगाओ, लेकिन उसको बहुत बेहतर ढंग से लगाओ। सो दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से। बाकी आप लोग सब समझदार हो और इस पर मेहनत करो।